हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज से हम सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट की है और स्पेशलाइजेशन पोर्शन के लिए जो लास्ट 10 मार्क्स का पोर्शन है उसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। ये तीन पोर्शन फिलहाल हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस देख के काफी बच्चे डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इजी है। अगर सिलेबस लेंथी है तो वो सबके लिए लेंथी है, खाली आप लोगों के लिए नहीं है। सिलेबस लेंथी है तो कट ऑफ कम हो सकता है, सिलेबस अगर कम होता तो ज्यादा कट ऑफ होने के चांसेस थे। ये सब सोचने से आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। मैं आपको बस एक ही बात सजेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, कभी भी ये मत सोचा करो कि इसका कट ऑफ क्या होगा, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम का पेपर कैसा होगा। ये सब सोचने से आपका टाइम जाया होता है और कुछ भी नहीं होता है। मैं बस एक ही चीज आपको बता दूंगा कि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि इस बार इस पोस्ट के लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि किसी और ने मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं की होगी। डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि आपको इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं और ये भी देखेंगे कि हम आज से आपको किस वाले पोर्शन की क्लास स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका सिलेबस सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे गए हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जिसके 20 मार्क्स रखे गए हैं। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन को 10 मार्क्स रखे गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 10 मार्क्स रखे गए हैं। वैसे ही करके यहाँ पर इंग्लिश वाला जनरल साइंस वाला पोर्शन है, 10 मार्क्स इसके भी है। कंप्यूटर को 10 मार्क्स है। स्पेशलाइजेशन के लिए 60 मार्क्स है। तो आज से हम जिस पोर्शन की आपको स्टार्ट करेंगे क्लासेस, वो पोर्शन है पहला ही जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और इसके 20 मार्क्स है, वो आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स पहला ही टॉपिक इसके अंदर रखा गया है। और करंट अफेयर्स के रिलेटेड हम हर रोज अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, हर दिन की करंट अफेयर्स हम आपको उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप वही टेलीग्राम चैनल आप कंसल्ट कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस वहां पर होते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप अपनी नोट कॉपी पर लिखोगे, उसके लिए आप अलग से कॉपी बनाओगे। एंड एक हफ्ते की जब आप करंट अफेयर्स लिखोगे, उसके बाद एक हफ्ता खत्म हो जाने के बाद हफ्ते के एंड में आप उस करंट अफेयर को रिवाइज किया करोगे। तो बार बार ऐसे ही करके एक हफ्ते के करंट अफेयर पढ़ोगे, उसके बाद साथ साथ रिवीजन भी किया करोगे, तो ये वाला पोर्शन आप वहां से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन जो यहां पर रखा गया है वो है इंडियन हिस्ट्री, और इसके अंदर ये मेंशन नहीं करके रखा है कि आपको एंशिएंट पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन इसके सामने अगर आप देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल लिख के है, तो इसका मतलब यहां पर यही निकल के आता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है। तो आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा, तो उसके बाद अगर आपको लगेगा कि सारा सिलेबस खत्म करने के बाद हमें टाइम बच रहा है, तो आप एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर ऊपर ही से देख के जाएगा। आज से हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल से, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर बराबर आजादी के दिन तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक पढ़ेगी। तो चलिए आज की पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज का हमारा पहला टॉपिक है द 1857 रिवॉल्ट, यानी कि 1857 के अंदर जो बगावत हुई थी ये क्या थी। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये 1857 के अंदर रिवॉल्ट, ये बगावत किन्होंने की थी, किनके खिलाफ की थी, ये सारा कुछ समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ही जरूरी है। हिस्ट्री को जितना आप ऑर्डर में पढ़ोगे, यानी कि अगर आज मैं 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा रहा हूं, तो उसके बाद आपको 1858 के बारे में पता होना चाहिए क्या हुआ था। आप डायरेक्टली ना ही जाओगे 1940 के अंदर, 1914 के अंदर, फिर वापस आ जाओगे कि 1858 के अंदर क्या हुआ था। जितना आप हिस्ट्री को ऑर्डर में पढ़ोगे, उतना ही आप चीजों को और ज्यादा अच्छे से याद रख सकोगे। तो चलिए हम 1857 रिवॉल्ट किन के खिलाफ हुआ था, किन्होंने किया था, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो
तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1600 से ही। ये वो टाइम होता है जिस टाइम ब्रिटिश की एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है वो हिंदुस्तान के अंदर तिजारत करने के लिए आती है। एंड हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम मुगल रूल चल रहा था, तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल अंपायर काफी कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद जितने भी बादशाह मुगल अंपायर के अंदर आ जाते हैं वो काफी अयाशी पसंद होते हैं और वो अपने हुकूमत को संभाल नहीं पाते थे, जिसका भरपूर फायदा यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। और बराबर 1757 के अंदर एक जंग होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लेसी, और ये जंग ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और अभी तक 1757 तक ये जो कंपनी होती है ये खाली तिजारत कर रही होती है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये जंग जीतने के बाद ये एक तो तिजारत भी करती है साथ ही साथ अपना पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाती जाती है। 1757 के जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल जमाती है, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जिन स्टेट्स के अंदर जो रूलर्स होते हैं, जितने भी सिपाही यानी कि आर्मी होते हैं, जितने भी जमींदार होते हैं, जितने भी तिजारत वाले होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो सारे के सारे काफी बुरी तरह से मुतासिर हो जाते हैं। और ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है इसको इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है या सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है या इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं वो कौन कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से यहां पर हिंदुस्तान के लोग ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये अंग्रेजों की इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये बगावत शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। सबसे पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज, यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों के जो रूलर्स होते हैं वो क्यों इस ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी नाराज हो जाते हैं, उसके पीछे होती है इस कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहली पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस वाली पॉलिसी एंड दूसरी पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी वाली पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज के अंदर इस ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बताया, उन्होंने क्या क्या बताया इसके अंदर, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पर ये याद रखोगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी को लाने वाला जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौसी, और सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब सबसे पहले हम डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी को समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया। इसके अंदर इतना ही कहा गया कि कोई भी हिंदुस्तान का रूलर जिसका कोई अपना बेटा नहीं होगा, जिसका कोई एडॉप्टेड सन होगा, तो उस रूलर के मरने के बाद उसका एडॉप्टेड सन उस तख्त पर नहीं बैठ सकता है। वो रूलर जिस रीजन के अंदर हुकूमत कर रहा होगा वो सारा का सारा रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी की पॉलिसी के तहत अंग्रेज ने बहुत सारी जमीन को हड़प लिया था हिंदुस्तान के अंदर। तो कौन कौन सा रीजन इन्होंने कब्जा किया था, कौन कौन सा रीजन इन्होंने हड़प लिया था इस पॉलिसी के तहत, उसके बारे में हमें अलग से पढ़ना है, अलग वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे झांसी था और भी बहुत सारे रीजन थे, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट पॉलिसी लाई थी सब्सिडियरी अलायंस वाली पॉलिसी, और फिर से आप ये याद रखोगे कि इसको लाने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। और सब्सिडियरी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या बताया कि इन्होंने हिंदुस्तान के रूलर्स को बताया कि आपको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, आप हमारी आर्मी रखिएगा और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो आपको हमें अदा करना पड़ेगा, और अगर आप वो खर्चा हमें अदा नहीं कर सकोगे तो आपको अपने रीजन का कुछ हिस्सा हमें देना पड़ेगा। और ये जितने भी रूलर्स होते हैं जिनकी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स हड़प लेते हैं वो आगे जाके 1857 जंग के अंदर शिरकत करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब पॉलिटिकल कॉजेस के बगैर हमें यहां पर और भी कॉजेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि और कौन कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से यहां पर 1857 के अंदर ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। जो नेक्स्ट कॉज है यहां पर वो है इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे इकोनॉमी को तबाह किया गया था। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स की तरफ से नए नए टैक्स
फ्लॉज लाए जाते थे जिनका टैक्स रेट काफी ज्यादा हाई होता था। इनका टैक्स रेट इतना ज्यादा होता था कि एक किसान को उतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि उसको टैक्स अदा करना पड़ता था। अब कौन कौन से टैक्स लॉज यहां पर लाए गए थे, तो सबसे पहले यहां पर परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, उसके बाद लाया गया था रोयतबारी सिस्टम लाया गया था, उसके बाद महलवारी सिस्टम लाया गया था। तो इन तीनों लॉज के तहत काफी ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता था इन किसानों को, तो जिसकी वजह से किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। खाली किसानों की ही बात यहां पर नहीं है, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर जो भी आर्टिजन जो भी क्राफ्ट्समैन थे वो सारे के सारे यहां पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो दो तरह से मुनाफा कमाते थे। एक तो वो मार्केट के अंदर भी अपनी चीजों को बेचते थे, वहां से मुनाफा कमाते थे, और साथ ही साथ वो मुगल अंपायर के जो भी रूलर्स होते थे या अलग अलग रीजन्स के अंदर जो रूलर्स हुआ करते थे उनसे भी वो काफी ज्यादा मुनाफा कमाते थे अपनी चीजें बेच के। लेकिन अब यहां पर ना ही मार्केट के अंदर ये चीजें बेच पाते हैं, ना ही वो रूलर्स ही यहां पर रह चुके हैं अब, जिसकी वजह से आर्टिजन्स का भी ज्यादा यहां पर नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर जितने भी यहां पर ब्रिटिश गुड्स होते हैं उनको ही ये ब्रिटिशर्स प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का हर एक आम इंसान काफी ज्यादा मुतासिर हो जाता है, चाहे वो जमींदार है, चाहे वो आर्टिजन है, चाहे वो क्राफ्ट्समैन है, चाहे वो यहां पर ट्रेडर्स है, चाहे कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करने वाला जो भी शख्स है, वो हर एक ब्रिटिश के इन कानूनों की वजह से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। अब इकोनॉमिक कॉजेस के बाद हम यहां पर पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के बारे में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के अंदर हमें ये देखना है जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट यहां पर है कि ये जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, यहां के जितने भी जनरल्स होते हैं, जितने भी पुलिस फोर्सेस होते हैं, सारे के सारे करप्टेड होते हैं, हर किसी जगह करप्शन ही करप्शन होती है। और साथ ही साथ यहां पर जितने भी लॉज बनाए जाते थे, जितनी भी पॉलिसीज लाई जाती थी, वो सारे के सारे लॉ, सारी की सारी पॉलिसीज ब्रिटिश के इंटरेस्ट के हिसाब से ही लाई जाती थी, और हिंदुस्तान के जो लोग हैं इनका जो कल्चर है उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज किया जाता था। जब भी कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन जब भी लिया जाता था, उस टाइम ना ही हिंदुस्तान के लोगों की परवाह की जाती थी, ना ही उनके कल्चर के बारे में कोई भी परवाह की जाती थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के बाद हम यहां पर सोशो रिलीजियस कॉजेस देखेंगे, यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये हिंदुस्तान के समाज के साथ, हिंदुस्तान के अंदर जो अलग अलग मजहब के मानने वाले जो लोग हैं वो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से हर एक मजहब के जो मानने वाले लोग हैं वो अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं। और ये हम ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये सारे के सारे रीजन, सारे के सारे कारण हम पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग नाराज हो जाते हैं इन ब्रिटिशर्स से। अब सोशल रिलीजियस कॉजेस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज यहां पर है, जितने भी ये ब्रिटिशर्स होते हैं ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे इंडियन से, जो कि हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और भी बाकी रीजन यहां पर है, जैसे नेक्स्ट जो यहां पर रीजन है वो है क्रिश्चियन मिशनरी हिंदुस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के लोगों को क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट किया जाता था या क्रिश्चियन मिशनरी के तहत उनको पढ़ाया भी जाता था। तो यहां पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये इस क्रिश्चियन मिशनरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और दूसरा काम क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने सती सिस्टम को ही खत्म किया। तो सती सिस्टम को सबसे पहले हम समझते हैं सती सिस्टम क्या था। उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मजहब के अंदर एक परंपरा चली आ रही थी कि अगर किसी भी औरत के जो हस्बैंड थे अगर वो मर जाएंगे तो खाली उसके हस्बैंड को ही नहीं जलाया जाता था, उस हस्बैंड के साथ साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता था। तो अंग्रेजों को ये चीज बहुत ही अनकॉमन सी लगी, तो उन्होंने यहां पर इस सती सिस्टम को ही खत्म किया था। हालांकि उन्होंने तो अच्छा काम किया था, लेकिन उस टाइम के लोगों के हिसाब से वो अपने मजहब के हिसाब से वो सही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स विडो रिमैरिज को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग और भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर जो भी बेवा औरत होती थी
थी उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन अंग्रेज इस चीज को भी खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी बेवा औरत है उसको दूसरी शादी करने का बिल्कुल हक होना चाहिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग और भी नाराज हो जाते हैं। और साथ ही साथ अंग्रेज उन्हें यहां पर टेम्पल्स के ऊपर, साथ ही साथ मॉस्क्स के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू किया था। और साथ ही साथ अंग्रेज उन्हें यहां पर एक और कानून लाया था, एक और एक्ट लाया था, जिसका नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। और ये जो एक्ट है ये लाया जाता है 1856 के अंदर। अब इस एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मजहब के मानने वाले लोग थे उनके हिसाब से कोई भी इंसान अगर अपने मजहब को छोड़ के, यानी कि हिंदुज्म को छोड़ के किसी दूसरे मजहब को अपनाएगा तो उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। तो अब यहां पर अंग्रेज नया कानून लाते हैं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू अगर अपने मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब को पालना शुरू करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल उसके बाप की, उसको प्रॉपर्टी वो मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह से यहां पर जितने भी हिंदुज्म के मानने वाले जो लोग होते हैं वो काफी नाराज हो जाते हैं फिर से ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक एक करके एक ऐसा कानून लाए जा रहे थे जिसकी वजह से वो सारे के सारे काम जो अभी तक हिंदुज्म मानने वाले लोग अपने मजहब के हिसाब से सही कर रहे थे वो एक एक करके यहां पर ब्रिटिशर्स खत्म करते जा रहे हैं। इसके बाद हमें एक और कॉज के बारे में पढ़ना है, यानी कि एक्सटर्नल कॉजेस के बारे में अब हमें यहां पर पढ़ना है। अब एक्सटर्नल कॉजेस के अंदर क्या है कि आउटसाइड इवेंट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से यहां पर ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हेवी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई थी कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना हम इनको समझते हैं, अगर हम चाहेंगे तो इनको हम हरा भी सकते हैं। वो एक्सटर्नल कॉजेस क्या थी, यहां पर सबसे पहला था फर्स्ट अफगान वार, जो कि 1838 से लेकर 42 तक चलता है और इस जंग के अंदर इस ब्रिटिश की हार हो जाती है। और साथ ही साथ यहां पर नेक्स्ट रीजन है पंजाब वार, जो कि 1845 से लेकर 49 तक चलते हैं और यहां पर इस जंग के अंदर भी अंग्रेजों की हार हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रीमियन वार, एंड इसके अंदर भी ब्रिटिश की हार हो जाती है। उसके बाद है संथल रिबेलियन, इसके अंदर भी ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। तो यहां पर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही जाग जाती है कि ये जो ब्रिटिशर्स है हम इनको जितना मजबूत, जितना ताकतवर समझते हैं उतनी ये है नहीं, अगर हम इनके खिलाफ लड़ेंगे भी हम आराम से इनको हरा सकते हैं। तो ये थे कॉजेस, जिन कॉजेस के बिना पर अब यहां पर हिंदुस्तान के हर तबके के लोग अंग्रेजों से तंग आ चुके थे और वो अब यहां पर इन ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे। तो ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं और जिसकी वजह से आगे जाके 1857 की बगावत शुरू हो जाती है। लेकिन 1857 जो रिवॉल्ट होता है, इसकी जो चिंगारी लगती है, इसकी जो शुरुआत होती है इस बगावत की, वो कहां से होती है वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखेंगे, वहां पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चले आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।